हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 हीट। तो हीट के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे आज एक छोटी सी स्टोरी पहले, उस स्टोरी पे डिपेंड करेगा हमारी जो भी डेफिनेशन है, उसके बाद हम इस चैप्टर पे आते हैं। तो स्टोरी ये है कि दो दोस्त होते हैं, समर का टाइम है, बहुत तेज धूप हो रखी है। दोनों दोस्त क्या करते हैं, उनका प्लान बनता है कि मार्केट घूम के आते हैं, मार्केट घूमने का प्लान है। तो मार्केट घूमने की बात आई तो ये सीधी सी बात है, बाजार में जाए और कुछ खाए पिए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों चल गए मार्केट में घूमने के लिए। तो अचानक से मिस्टर आर ने कहा कि मुझे तो प्यास लग रही है, मुझे कुछ पीना है। तो मिस्टर के ने कहा ठीक है भाई, चल लेते हैं, कुछ पी के आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो शॉप्स हैं, एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप है, एक हॉट ड्रिंक की शॉप है। कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे जो भी ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, हो गए हमारे लस्सी हो गई, कोई भी पेप्सी हो गई, जो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और एक हॉट ड्रिंक की शॉप है, जैसे टी, कॉफ़ी, जो भी आप पसंद करो, कॉफ़ी हो गया या हॉट मिल्क हो गया। तो क्या हुआ, अब इनको बहुत तेज प्यास लगी है, गर्मी का मौसम है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी में प्यास लगती है ज़्यादा, और गर्मी में हम ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीना पसंद करते हैं, ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो ये लोग जाएंगे कहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक की शॉप पे। और अगर यहीं पर हम सीज़न को चेंज कर देते हैं, हम सीज़न को विंटर का सीज़न बना देते हैं, जहाँ पर हमें मुश्किल ही हो रहा है सन का मिलना, सन लाइट। अब अगर यही बात हो गई है विंटर सीज़न की, तो अब यहाँ पर हम दोबारा ये क्या करते हैं, विंटर सीज़न में घूमने जाते हैं मार्केट। अब इस बार क्या करेंगे, ये मार्केट में जाए, दोबारा इनको प्यास लगेगी, ठीक है, लेकिन अब ये किस शॉप पे जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक की शॉप पे या हॉट ड्रिंक की शॉप पे। सिंपल सी बात है, ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में हमें गर्म चीज़ें पसंद होती है, गर्म चीज़ें खाना, हम गर्म कपड़े ही पहनते हैं ताकि हम ठंड से बच सकें, क्योंकि हमें गर्माहट चाहिए होती है। तो अब क्या करेंगे, ये लोग हॉट ड्रिंक की शॉप पे जाते हैं, हॉट ड्रिंक अभी इनकी मर्जी, कुछ भी पिए, टी पिए, कॉफ़ी पिए या किसी भी हॉट ड्रिंक का ये सेवन करें, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकी जो चॉइस है, यहाँ पर मेन बात ये है, इनकी जो चॉइस है वो डिपेंड करती है सीज़न पे, और सीज़न पे कैसे, ये डिपेंड करती है इनकी फील पे, कि इनको क्या फील हो रहा है। अगर ठंड लग रही है तो गर्म चीज़ें, और अगर गर्म लग रही है, गर्म है, गर्मी का टाइम है, तो ठंडी चीज़ें पसंद है हमें। तो इसी तरह अगर हम हीट की बात करें, तो ज़्यादातर अगर हम हीट की डेफिनेशन को लें, तो डेफिनेशन है एक सिंपल सी डेफिनेशन है, साइंस की लैंग्वेज में बोले तो, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में इसको समझना चाहें तो इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, सीज़न में आते हैं, समर के टाइम में और विंटर के टाइम में, दो तरह के सीज़न होते हैं हमारे, समर एंड विंटर, ये दो सीज़न हैं हमारे। अब इनके जो क्लॉथ हैं, जैसे हम देखें समर के टाइम हम कैसे क्लॉथ पहनते हैं, बहुत ही लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे कॉटन हो गया, कलर भी लाइट होता है और साथ साथ तो कपड़े भी लाइट होते हैं, इतने लाइट होते हैं कि आसानी से उसके आर पार हवा पास हो जाए ताकि हमें गर्मी कम लगे और ठंडक महसूस हो। लेकिन अगर विंटर की बात करते हैं तो वहीं हम वहाँ पर डार्क चीज़ें पहनते हैं, मतलब डार्क कपड़े या बहुत ही भरे भर के जितने भी कपड़े पहन सकते हैं, ठंड से बचनी होती है हमें उस टाइम, वुलन क्लोथ्स होते हैं, स्वेटर होती है, जैकेट्स होती हैं, तो उस टाइम हमें हीट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और सन भी नहीं होता उस टाइम, जो सन क्या करते हैं हमें गर्म रहते हैं, सन भी कभी कभार ही आते हैं सर्दी के टाइम में भी। तो क्या करते हैं हम लोग उस टाइम, क्या करते हैं, बहुत ही भारी भारी कपड़े पहनते हैं, उबले के कपड़े पहनते हैं। अगर उसकी बात आ जाए फूड पे, हमें क्या चीज़ें पसंद है, समर की बात करें तो हमें कोल्ड चीज़ें पसंद होती हैं, ठंडी चीज़ें खाना, ठंडी चीज़ें पीना। अगर हम विंटर की बात करें तो वही हमें हॉट चीज़ें पसंद होती हैं, गरम गरम चीज़ खाएंगे, गरम गरम चीज़ पियेंगे। तो ये जो हमारा टेस्ट है डिपेंड करता है सीज़न पे। तो यही बात करते हैं अगर हम यहाँ पे सन की बात करें, तो समर के टाइम में हम क्या करते हैं, सन को अनलाइक करते हैं, अनलाइक मीन्स हमें पसंद नहीं होता सन, क्यों, क्योंकि गर्मी तो वैसे ही इतनी पड़ रही होती है और वैसे इतनी गर्म गर्म लगती हैं, तो हमें सन वैसे ही नहीं पसंद आता। लेकिन अगर विंटर की बात करें तो हम सन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सन के दर्शन ही नहीं होते तब तक,
अब जब तक हमें संत के दर्शन होते हैं हम तुरंत चले जाते हैं धूप पे बैठने के लिए, गर्माहट बनाने के लिए। तो यही है कि जो हीट है वो हीट क्या है, गर्माहट है। अब गर्माहट हमें कितनी गर्माहट चाहिए ये डिपेंड करता है हमारा सीजन क्या है। सीजन सीजन के साथ साथ हमारी फीलिंग पे भी, हमारी फीलिंग कैसे, अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम ठंडी चीज़ें पसंद करेंगे और अगर ठंड लग रही है तो गर्म चीज़ें पसंद करेंगे। अब सीजन इसके डेफिनेशन पे आते हैं कि बुकिश डेफिनेशन है, मतलब बुक की लैंग्वेज में अगर बोले हीट क्या है तो हीट क्या है, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हीट जो है क्या है, ये इस हीट का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होना एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, इसे ही हम कहेंगे हीट। तो अगर हम हीट की बात करें, हमने समझ लिया अभी कि हीट होती क्या है, हीट को हम कैसे फील कर सकते हैं टच करके। तो अगर हम हीट की बात करें तो हम हीट की बात करने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड, कोई भी चीज वस्तु गर्म है या ठंडी है यह हमें कैसे पता चलेगा। यह हमें पता चलता है उस टच से, हमारे पास एक सेंस होता है जिसे कहते हैं टचिंग सेंस, मतलब छू के अगर हमने कोई चीज़ छू ली फील हुआ हॉट तो हम वो चीज़ गर्म है, अगर हमें लग रहा है वो ठंडी है तो कोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी भी चाय बनाई, जब हम चाय गर्मा गर्म बनाते तो वैसे भी वो कैसे होती है, हॉट। फ्रिज से तुरंत हमने आइस निकाली, जैसे हमने फ्रिज से आइस निकाली, आइसक्रीम हो या आइस क्यूब हो, कैसे होती है, ठंडी होती है कोल्ड। तो अगर हम बात करें हॉट एंड कोल्ड की तो ये हमें कैसे पता चलता है, हमारे टच सेंस से पता चलता है जो कि हमारे अंदर ही होता है। फिर अगर हम बात करें कि व्हाट इज एग्जांपल ऑफ हॉट, हॉट का एग्जांपल दीजिए गर्म गर्म चाय, ये थी हमारी हॉट टी। कोल्ड, अगर हमें कोल्ड का एग्जांपल देना है तो कोल्ड क्या है हमारा, आइस, ये हमारी क्या है, कोल्ड का एग्जांपल है। अब जो कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट है, और कोई किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो क्या है वो कोल्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम मौसम की बात करते हैं तो अगर हम जैसे जैसे हमारे देख सकते हैं दिल्ली का मौसम कितना बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है ये जो पारा जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है, मतलब कि जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है गर्मी तो ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आने वाली होती हैं टेम्परेचर क्या होता है धीरे धीरे कम होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है ठंडी आ जाती है और हमें कैसी फीलिंग आती है, कोल्ड कोल्ड वाली फीलिंग आती है। तो ये ही टेम्परेचर, अगर हम हॉट चीज़ों की बात करें तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर किससे नापा जाता है, टेम्परेचर मेजर बाय थर्मामीटर, टेम्परेचर नापा जाता है थर्मामीटर से। अभी थर्मामीटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को देखने के लिए अलग थर्मामीटर होता है, लैब में यूज़ करते हो अलग थर्मामीटर होता है, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने बात की थर्मामीटर की, तो सबसे पहले मेजरिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, ये कांच की एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है नंबर्स लिखे होते हैं और ये बहुत ही नैरो ट्यूब होती है, ये ग्लास की होती है, कांच की होती है, और इसमें एट लास्ट एक बल्ब होता है, ठीक है। और इसका जो मिनिमम जो टेम्परेचर सेट होता है 35 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जैसे ये ना कुछ इस टाइप से है, यह इसकी कुछ एक फिगर है। अब ये फिगर है सबसे पहले कि इसका जो टेम्परेचर होता है, अगर हम नापते हैं किसी कहीं भी हमें यूज़ करना हो क्लिनिकल थर्मामीटर का, तो हमें ये याद रखना है कि उसकी जो उसका जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उसका जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, इस टाइप से एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है ये, इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ये ग्लास की ट्यूब है, मतलब कि कांच की बनी हुई होती है। बल्ब एट द एंड, एंड में से एक बल्ब होता है, और साथ ही साथ मार्किंग होती है नंबर्स की, और कंटेन मर्करी, ये क्या करती है एक लिक्विड अपने अंदर कंटेन करती है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है इसकी बॉडी में जिसका नाम होता है मर्करी। यही हमें बताता है कि टेम्परेचर क्या है हमारी बॉडी का। ये क्या होता है बहुत ही शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि अगर हम इसे देखें दूर से तो हमें दिखाई दे रही है जो मर्करी बहुत ही शाइन करता है, बहुत ही चमकता है।
तो अगर हमें पता करना है कि बॉडी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना हैगा तो हम इसका यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमें ज़्यादा शाइन करते हुए दिखाई दे वो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर होता है। और ये हमें याद रखना है कि होती एक कांच की चीज़ होती है, तो हम अगर इसे कहीं भी हिट करते हैं किसी भी थिक चीज़ पर, ये टूट सकती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होता है। साथ ही साथ इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए।